चलिए आपको छोड़ देते हैं। सुनो, आज तो हम हेलमेट भी पहन लिए हैं। हाँ, लेकिन पीछे बैठने वाले को भी पहनना जरूरी है। पैराशूट एडवांस बॉडी लोशन प्रेजेंट्स अफसर बिटिया। मैं और सुरभि एक दूसरे से प्यार करते हैं। कासुमा बेटा भाग गया आपका, और हम दोनों घर छोड़कर भाग रहे हैं। रिश्तों से बड़ी प्रथा। ये कर्म फलदाता शनि का अंतिम अध्याय। लंकापति रावण, इस युद्ध में तुम्हें उत्तर देने का समय आ गया। नमस्कार, मेरा नाम दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मी फिल्मोनिया पर। आज मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है, इनका नाम है गुरप्रीत राणा जी। नमस्कार जी। और इनके बारे में एक मैं बात बताना चाहता हूँ। ये बात सुनकर आप सबको हैरानी होगी और आप इस बात से कहीं ना कहीं इंस्पायर होंगे। कहीं ना कहीं आपको ये बात ये एहसास दिलाएगी कि अगर इंसान में लगन हो, अगर इंसान में जज्बा हो, तो कोई भी कहीं से भी किसी भी शहर किसी भी क्षेत्र किसी भी गांव से उठकर अपने सपने पूरे कर सकता है। इन्होंने अपनी शुरुआत करी एक जूनियर आर्टिस्ट बनकर, राइट? बिल्कुल सही। मतलब एक जूनियर आर्टिस्ट वहां से शुरुआत करने के बाद आज ये बतौर डायरेक्टर टीवी इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं। बतौर डायरेक्टर इन्होंने पंजाबी फिल्म डायरेक्ट की है। भाई सैल्यूट आपको। थैंक यू दर्पण जी। तो ये एक अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे परिवार के बच्चों से मिलवा दूं आपको। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। क्या है कि लोग सुनेंगे और उनको सुनेंगे और उसके बाद हिम्मत बढ़ेगी, उनकी हिम्मत बढ़ेगी और चीजें समझ में आएगी कि क्या है इंडस्ट्री क्या नहीं है। बिल्कुल। और आप तो अच्छा कर ही रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ भाई, ये कैसे हुआ? मतलब आप गांव पंजाब से हैं आप? हाँ बिल्कुल। तो पंजाब के एक छोटे से गांव से, शायद गुरदासपुर से सिटी है, छोटा सा। अच्छा, छोटा शहर है। हाँ, छोटा सिटी। तो वहां से एक उठकर एक इंसान चला मुंबई आया और उसने अपनी कैसे शुरुआत करी और जूनियर आर्टिस्ट। मैंने अपनी मेरे करियर में मैंने ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं जो जूनियर आर्टिस्ट से कहीं किसी ऊंचाई पर पहुंचे हैं। माफ करना, जूनियर आर्टिस्ट भी उनका भी सम्मान है, उनका सम्मान है, मैं उनको बहुत सम्मान देता हूँ। लेकिन जूनियर आर्टिस्ट से निकलकर एक डायरेक्टर बनना ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कैसे सब कुछ हो रहा है, कैसे, आप प्लीज बताएं। देखो दर्पण जी, बात ये है कि यहाँ जूनियर आर्टिस्ट तो बनने नहीं आया। अच्छा। सपने तो बड़े लेके आया। ओ, है ना, बड़े सपने लेके आया कि इस इंडस्ट्री में काम करना है। क्योंकि शुरू से थिएटर करता था मैं स्कूल टाइम से। अच्छा, थिएटर किया आपने? बिल्कुल किया, 8th क्लास से करता था मैं थिएटर। फिर कुछ घर के सिचुएशन ऐसे कि जॉब मिल गई, पुलिस में जॉब किया। पुलिस में जॉब की? बिल्कुल, पंजाब पुलिस में जॉब किया मैंने। क्या बात है। जॉब किया, लेकिन फिर लगा कि नहीं, जो सपने हैं वो अपने यहाँ पे नहीं है। सपने कहीं और हैं। सपने कहीं और के देखें। हाँ, सपने कहीं और के देखें। तो चले आए मुंबई। ओके। मुंबई आए, लेकिन पता चला कि भैया मुंबई मुंबई तो मुंबई है। लेकिन क्या दर्पण, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। घर वालों ने सपोर्ट किया। अच्छा, सपोर्ट किया? बिल्कुल किया, घर वालों ने, बच्चे थे, वाइफ थे। अच्छा, शादी के बाद आप आए? बिल्कुल, मेरा बेटा था, मतलब 3 साल का। 3 साल का बेटा था, उसको छोड़कर आप मुंबई आए कि कुछ करना है, करना कुछ है। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब जो सोचा वो बनना है। और आपको यकीन था कि आप कर लोगे? बिल्कुल, हिम्मत, अगर वो सारी चीजें छोड़ के आया हूँ तो इसका मतलब करने ही आया था। क्या बात। हाँ जी, फिर? लेकिन यहाँ पे आके देखा कि यार वही बात है, गॉडफादर, ये सारी चीजें, सपोर्ट, किसी का सपोर्ट चाहिए और चीजें हैं। हाँ, लेकिन मैंने गॉडफादर माना था ऊपर वाले को, सबसे बड़ा वो, सबसे बड़ा वही है। वही आप अच्छे हो मन में, अगर आपके है कि मुझे बनना है तो कोई नहीं रोक सकता। सही बात। लेकिन क्या, सर्वाइव करना था। पीछे फैमिली थी, वाइफ थी, बेटा था। तो मैं ये तो नहीं बोल सकता ना आप मेरे लिए पैसे भेजो। भाई आप पैसे भेजो, मैं यहाँ पे स्ट्रगल करूंगा। तो मैंने बोला कि नहीं, कुछ करना पड़ेगा। लेकिन दर्पण जी, एक चीज है, बॉम्बे बहुत अच्छी जगह है। मुझे आज तक यही लगा कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे।
सुन रहे हैं आप लोग, सच में यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। खामखा डरा मत करो, मुंबई में लोग मतलब उनको डर लगता है फिल्मी फिल्मोनिया परिवार के बच्चों को, सर हम लूट जाएंगे। अरे अरे यार लूटना क्या, लेकिन क्या अच्छे हैं, आपको अच्छे लोग तब मिलते हैं जब आपके मन में हो कि मुझे यहाँ वहाँ पहुँचना है, तब आपको वैसे लोग मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप अगर छोटा सोचते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो अच्छे लोग मिलेंगे। आपकी सोच पे डिपेंड करता है। तो मुझे कुछ ऐसे दोस्त मिले थे जिन्होंने मुझे बोला कि देखो इंडस्ट्री में काम करना है तो पहला काम है सर्वाइव करना अपने आप। तो मैंने भी सोचा सर्वाइव करना है तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। बिल्कुल, पहले तो तुमने दो वक्त की रोटी मिले। बिल्कुल, आपका जब टारगेट बड़ा है तो शुरुआत करने के लिए मुझे लगा कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो मुझे किसी ने बोला यार जूनियर आर्टिस्ट बन जा, उसमें कार्ड बनता है, सब चीजें थी आपके पास? नहीं, जूनियर आर्टिस्ट बन जा, पहले तो पता ही नहीं था जूनियर आर्टिस्ट होता क्या है। तो फिर मैंने पूछा जो लोग थे, एक्चुअली फाइटर थे मेरे अंकल, मतलब मेरे दोस्त के मास्टर थे। अच्छा। तो उन्होंने थोड़ा कॉन्टेक्ट निकाल के मुझे रख भी लिया अपने पास। ओके। है ना, वो फोन किया, फिर उसने फोन किया मास्टर को, मुझे लेने आया। पहले तो ऐसे ही धक्के खाए थोड़े, फिर वो लेने आए उनके पास, उन्होंने गाइड किया बेटा ऐसे से, तो मुझे लेके गए जूनियर आर्टिस्ट के सप्लायर के पास। तब कुछ 70,000 का कुछ कार्ड बनता था। अच्छा, अभी ये दूसरा पंगा खड़ा हो गया। 70,000 कहाँ से लाऊं? 70,000 कहाँ से लाऊं? लेकिन मदर है मेरे, जॉब करते थे गवर्नमेंट जॉब, उन्होंने कैसे भी करके, कुछ दोस्तों ने हेल्प की, लेकिन मदर ने बहुत हेल्प की। अच्छा। मदर ने बोला ठीक है, अगर तुम्हारी, मैंने ये उनको भी नहीं पता ना जूनियर आर्टिस्ट कौन होता है, मैं क्या करने गया हूँ, उनको ये भी नहीं पता डायरेक्टर कौन होता है। उनको तो एक्टर पता है कि एक्टर होते हैं, जो टीवी में दिख रहा है वही है, बाकी सब पीछे वाले पता नहीं। तो मैंने बोला कोई मेरी ऐसे जॉब जैसा है, काम मिल गया थोड़ा पैसे शुरू हो जाएंगे। तो उन्होंने फिर हेल्प किया मेरा, 70,000 रुपया जमा हुआ, तो मैंने कार्ड बनाया। अच्छा, कार्ड बनवाया जूनियर आर्टिस्ट का? जूनियर आर्टिस्ट का कार्ड बनाया, और आई थिंक मैं पहला आदमी पंजाबी था। वाह। हाँ, जूनियर आर्टिस्ट। जूनियर आर्टिस्ट में क्या बात है। हाँ, इसके लिए तालियां। पहला। हाँ, और वही टचवुड मैंने आपको बोला है कि दुनिया हेल्प करती है और भगवान हेल्प करता है दुनिया के थ्रू। बिल्कुल। और मुझे सप्लायर मिले, मेरे ख्याल 40-50 सप्लायर हैं, जिसमें से 70% सप्लायर पंजाबी हैं। पंजाबी। हाँ, ओके ओके। हाँ, तो वो जब मैं मिलता था उनको, अरे पंजाबी लग रहा ये वो। तो बिलीव करो दर्पण जी, मेरी पहली पेमेंट ना बालाजी में उन्होंने वाइट लफाफे में डाल के दी। क्योंकि सबसे ज्यादा पेमेंट मेरी। क्या बात कर रहे, वाह। मेरे को सोने नहीं देते थे, दिन में शूटिंग, रात में शूटिंग, अरे बाप रे, बिजी बिजी बिजी। लेकिन क्या होता है फिर जब वो हम पासिंग देते थे तो दिल में आता था यार क्या बनने आए थे और क्या बन गए ना। उनमें कैरेक्टर रोल्स बहुत सारे किए, फिर है ना कैमियोज मिलने लगे, थोड़े दिखने में अच्छे थे। तो वहां फिर मुझे एक भगवान ने भेजा हुआ बंदा मिलाया, जो मेरे पहले गुरु हैं, गैरी बिंडर। गैरी जी जो जिनको मेरे भाई हैं, गुरु हैं, कभी नहीं भूल सकता, कोई नहीं भूल सकता। हाँ, कोई नहीं, उनको तो पूरी इंडस्ट्री जिन लोगों ने काम किया है उनके साथ, कोई नहीं भूल सकता। वो तो कोई भी नहीं भूल सकता, टचवुड, मतलब वैसा इंसान मैंने देखा नहीं कभी। अब वो इस दुनिया में नहीं है तो, लेकिन वो जहाँ पे भी है सबके दिलों में है, सबके दिलों में है और सबको दुआएं देते हैं। और इंडस्ट्री में अभी भी है, अभी भी उनका नाम है, ऐसा नहीं। तो वो जब भी मिलते थे, राणा क्या करने आया तू, क्योंकि पंजाबी था वो भी, हम लोग वो डायरेक्टर थे, हम पासिंग देते थे, थोड़ी बातचीत होती थी, राणा तुम ये कर लो, राणा तुम ये कर लो, है ना, थोड़ा तुम अच्छे दिखते हो, चल तो फ्रेंड बन जाए एक्टर का, है ना, ये हो गए फ्रेंड। तो ऐसे करते करते थोड़ी दोस्ती होगी, तो बोलते यही बोलते थे क्या करने आए हो ये। मैं बोला था सर मैं तो मतलब कुछ बड़ा ही करने आया हूँ। बोला चल ठीक है। तो फिर मुझे 27 दिसंबर 2007 को फोन आता है 11 बजे, तब मैं शूटिंग पे नहीं था, सो रहा था घर पे। जब शूटिंग नहीं होता हम सोते हैं, आपको पता है 12-1 बजे उठो। फोन आया तो मैंने देखा गैरी सर का फोन, मतलब गैरी का फोन किसको आ जाए, सवाल ही नहीं यार किसी को फोन आए। और मुझे बोला किधर है तू, कहाँ है? मैं सर मैं तो घर पे हूँ। अच्छा लास्ट बार बोल रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं? शो का पहला दिन है, पूजा है यार, 2 बजे आ जा शंकर, और आज के बाद नहीं बोलूंगा। क्या बात। मैं उठ के बैठ गया, मेरी नींद नींद उड़ गई। बोला यार ये क्या है, मतलब तकदीर कहीं कहीं और लेके जा रही है मुझे। बिल्कुल। लेकिन मुझे लालच हो गया था यार, मेरा मंथली पैसे, पैसे मैं 25-30 हजार महीना कमा रहा हूँ, 30 हजार बहुत होता था 2007 में। बिल्कुल बिल्कुल।
तो घर में मैं बोला अभी असिस्टेंट लगूंगा और नए नए असिस्टेंट को 100 रुपया पर डे भी नहीं मिलता, बिल्कुल कुछ नहीं मिलता। हाँ, तो मैं बोल फिर मैंने सोचा लेकिन मैंने बोला यही भगवान, मतलब अगर मैं ऊपर वाले को मानता हूँ मेरी हेल्प करो तो यही हेल्प है और क्या है, रास्ता दिखा रहा है वो। हाँ, रास्ता दिखा रहा है, अगर मुझे पैसा देखना है तो फिर तो गलत बात है ना, मुझे तो अपना फ्यूचर। कितनी अच्छी बात बोली, देखो राणा जी बोल रहे हैं कि पैसा मत देखो, नहीं फ्यूचर देखो बॉस, भविष्य। पैसा तो कमा ही लोगे यार, भविष्य के लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, अगर मैं पैसा देखता तो उस 30,000 को देखता तो हो सकता आज जैसे कम कमा रहा होता, क्योंकि एज हो गई है, जंग था कमा रहा था। बिल्कुल, लेकिन मैंने पैसा नहीं देखा, मैंने देखा यार नहीं, मैं तो जो बनना है वो बनना है। तो मैंने क्या अपना कार्ड पर्स से निकाला और अलमारी में रख दिया, जूनियर आर्टिस्ट। और मैंने बोला नहीं आज के बाद ये काम बंद। क्या बात, मतलब फाइनल सोच लिया। शो था किस देश में है मेरा दिल, बालाजी का देश में है मेरा दिल, बालाजी का। तो पूजा थी, गैरी था वहाँ, हेलो आए हुई, आजा आजा बोला, हाँ हाँ मेरे पास में रहना है, वही काम कर, देखते रहना, मैं फॉलो करना मेरे। हाँ ठीक है सर, ओके। फिर वो गैरी एक तो दोस्ती थी, एक हो सकता है उसमें उसने मेरे में कुछ देखा, मुझे नहीं पता, काबिलियत कुछ भी देखा, वो बंदा तो मेरे को बिजी रखता था हमेशा। अगर रात को पैकअप हुआ लाना चला एडेट पे आ गया, रात को चाहे 2 बजे पैकअप हुआ मुझे एडेट पे भेज देता था, थोड़ी तकलीफ होती थी यार 2 बज गए हैं, फिर मैं सोचता नहीं यार काम तो मेरा रिलेटेड है, मुझे और सीखने को मिले। फिर मैं रात को एडिट पे बैठता था, सुबह 4:30-5 बजे घर पे जाता था, फिर 9 की शिफ्ट में कभी 7 की शिफ्ट में वापस आता था। आप देख लोगे वो 6-7 महीने मतलब मैं 1.5-2 घंटे सोया हूँ। तो वहाँ से शुरुआत हुई पूरा, लेकिन जिंदगी ने वही सफर फिर दोबारा रोक दिया जब गैरी जी चले गए। मतलब 6 महीने काम करने का मौका मिला है उनके साथ बस, लेकिन 6 महीने में मुझे बहुत कुछ सिखा गया, बहुत कुछ टेक्निकली तो बहुत कुछ सिखा दिया, जिंदगी कैसे जीना है, कैसे रहना है, मुंबई में क्या करना, मुंबई में कैसे रहना है, और तुम डायरेक्शन डिपार्टमेंट में हो भैया, तुम वो कपड़े कैसे पहनने हैं, वो ये चीजें तक देखता था। हमारी दोस्तों के साथ कैसे रहना है, मतलब सेट के बाद दोस्त, लेकिन सेट पे आते ही दोस्ती खत्म हो जाती थी उसकी, ये चीजें भी सीखने को मिली, भी सेट पे कोई दोस्ती नहीं। स्ट्रगल फिर चालू होगी दर्पण जी, स्ट्रगल चालू हुई, लेकिन स्ट्रगल ऐसी चालू हुई कि काम बंद हो गया, कोई रखता नहीं था। बहुत घुमा, फिर घूमते ऐसे मतलब टाइम निकले 1 साल के करीब चला गया, पैसे वही 60-70 हजार कर्जा हो गया दोस्तों का, जिसके रूम में रहता था, फिर एंट्री दे रहा हूँ, खाना मिलता खा रहा हूँ, बोलते चल ठीक है, लेकिन मैं तो सोचता था ना, लेकिन टूट गया मैं दर्पण जी बीच में आ गया, क्योंकि घर पे नहीं भेज रहा हूँ कुछ नहीं है, बीच में टूट गया आगे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं काम करूँगा जूनियर आर्टिस्ट में। ओ वापस सोचा आप? वापस सोचे, कार्ड था मेरे पास, तो फिर सोच रहा हूँ फोन करूँ कि ना करूँ, क्योंकि अभी सप्लायर जो मेरी रिस्पेक्ट करने लगे थे कि गैरी के असिस्टेंट है, तो अभी क्या बोलूँ उनको, काम दूँ, मेरे को जूनियर आर्टिस्ट में काम करना है। और मैंने फोन किया बालाजी के मुन्ना भाई को। अच्छा, तो बोला अच्छा ऐसा कर, जेल फिल्म की शूटिंग चालू है पनवेल में, मुझे वहाँ डाल दूँ, फिर 20-25 दिन निकल जाऊँगा। फिर मैं जेल फिल्म में डाला उन्होंने पनवेल जाते थे, फिर वहाँ से शुरुआत हुई, इतने पैसे आए, थोड़ा फिर बैलेंस बना, लेकिन फिर दिमाग में आ रहा ना क्या कर रहा है, ये तो पैसे आ गए जेब में, वो लालच बढ़ जाएगा सेम उस प्रीस्ट पे। फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि ऐसे तो कार्ड रहे ना जब तक, तो काम करता रहूँ। हाँ कार्ड, मतलब आपके पास ऑप्शन है ना। हाँ, तो फिर मैंने बोला कार्ड भेज देता हूँ, क्योंकि उससे भी थोड़े पैसे हैं, थोड़े इधर से भी ले लें, थोड़ा सर्वाइव हो जाएगा बाद में मेरा, थोड़ा घर पे भेज। फिर मैंने कार्ड भेज, कार्ड भेजा, थोड़े पैसे उसके आए, थोड़े पास थे, उससे फिर दोबारा स्ट्रगल शुरू, अपनी लाइन में स्ट्रगल शुरू किया। फिर मुझे कमल मोंगा जी बहुत प्यारे बंदे हैं, कमल जी तो बहुत प्यारे, कमल जी जैसा इंसान, मतलब इंडस्ट्री दुनिया, इस दुनिया में, इस इंडस्ट्री में है ना। और मैं बता दूं कमल मोंगा जी के बहुत सीनियर डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर, बहुत बड़े बड़े शोज उनके नाम है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके साथ जुड़ गए थे, जुड़े क्या, उनको भी फोन करता रहता, तंग करता रहता था, मतलब तंग करना जरूरी है, जरूरी है तंग करना, वो जरूरी है। देखो ये सुनने वाली बात है,
कि अगर आपको डायरेक्शन में आना है तो भाई किसी भी डायरेक्टर के पास जाके आपको मिलना होगा, आप उसको ये कहना होगा कि भाई मेरे में क्वालिटी है, मेरे में ये काबिलियत है, प्लीज मुझे दिखा दो। वो तो कर्म करोगे, उनको भी नीड तो होती है, उनको भी काम करने वाले की। वो सबको पता था मैं इतना कैपेबल हूँ जिन जिन लोगों को, लेकिन तंग करता था हर पांच दूसरे दिन मैसेज, तब तो मैसेज कम थे, फोन करते थे, लेकिन दूसरा मैसेज कर देते थे, पैसे कटते थे। तो वहाँ से मोंगा जी ने मुझे बुलाया, फिर माइका में, माइका में माइंड हो रहा, वो भी एंड था, दो महीने में माइंड अप किया, फिर फ्री हो गए। अभी मेरा गुरु था गैरी जी, वो नहीं रहे, फिर वो गुरु, और गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु की तलाश थी, मुझे गुरु मिल गए कमल जी, मैंने दोबारा उनके साथ दो महीने काम कर लिया। मैंने बोला इससे अच्छा गुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान अच्छे, टेक्नीशियन अच्छे, सब कुछ था। तो मैंने बोला ये मेरे गुरु, अभी जितने देर वो घर पे बैठेंगे मैं भी बैठूंगा, लेकिन मैं काम उनके साथ ही करूँ। तो फिर वो हमारा सिलसिला शुरू किया जाता है। और कितने शोज कर लिए अभी तक आपने? देखो फिर कमल जी के साथ असिस्टेंट मैंने दो महीने और काम किया, तीन महीने जाने पहचाने से थे अभी, उन्होंने शो ज्वाइन किया, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा ज्वाइन किया, उन्होंने ज्वाइन किया था दिसंबर में 2009 में, और 2010 मार्च में मुझे सेकेंड यूनिट मिल गया। तो एज डायरेक्टर आपने सेकेंड यूनिट करना शुरू किया? एज डायरेक्टर में प्रतिज्ञा में सेकेंड यूनिट मिला मुझे मार्च में। प्रतिज्ञा मैंने डेढ़ साल डायरेक्ट किया। क्या बात है, बड़ा शो था। बिल्कुल। उसके बाद तो फिर आपने कई शोज किए, उसके बाद आपका एक शो किया। आपने एक शो देखा होगा अफसर बिटिया, मेरी क्लिपिंग भी देखी होगी आपने, तो वो जो डायरेक्टर साहब थे वो यही थे, इन्होंने मुझे डायरेक्ट किया है। वही अपनी दोस्ती हुई, वही दोस्ती हुई, और दोस्ती आज भी कायम है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं किसी का साथ नहीं छोड़ता। नहीं नहीं, आप नहीं लेकिन हमें पता है दर्पण जी को कब भी फोन कर दो वो तब भी बोले हाँ बोलो। देखो ये तो होना चाहिए ना यार। फिर मैंने डोली अरमानों की, डोली अरमानों की सारे शोज हिट शोज है। टचवुड में जहाँ गया हूँ, मेरे को एक तो फिर लक भी होता है, लेकिन मेरे को काम भी टचवुड चीखा हुआ था दो गुरुओं से, तो दोनों हिट गुरु मेरे टॉप। तो आपने हिट शोज दे दिए, काम अच्छा किया, वो अच्छा अरमानों की किया, उनका ही एक प्रथा आया था, प्रथा रिश्तों से बढ़कर प्रथा, करेक्ट, कलर्स पे था, हाँ कलर्स पे वो शो किया। फिर स्वास्तिक में अभी सूर्य पुत्र कर्ण किया आपने, शनि अभी किया एक डेढ़ साल किया। बड़े सारे बड़े शोज थे। और एक पंजाबी फिल्म की है जो रिलीजिंग, हाँ पंजाबी फिल्म ने बहुत बढ़िया फिल्म की है वो रिलीज पे अच्छा करेंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि ये बच्चों को समझना चाहिए कि अगर आप में दमखम है, अगर आप में टैलेंट है, हुनर है, तो जूनियर आर्टिस्ट ये बैठे हैं आपके सामने। एक जूनियर आर्टिस्ट से शुरुआत करने के बाद एक डायरेक्टर के तौर पर आज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अच्छा काम किया है उन्होंने। तो कभी मत सोचा करो यार हम जूनियर आर्टिस्ट हैं, हमारा क्या होगा, सर मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, सर मैं क्या, ये मत सोचा करो यार। नहीं नहीं, सिर्फ टारगेट, अगर टारगेट आपको ऊँचा है आगे जाने का, तो मुझे नहीं लगता कि कोई काम कर रहे हो आप उसमें आप पहुँच है कि नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप हमेशा बोलते थे ये अपनी लाइन है, इसमें अप डाउन चलना ही है, चलना ये भूल जाओगे अभी मैं अच्छा कर रहा हूँ कल बुरा नहीं होना ही, वापस बिल्कुल वो दोबारा रोटेशन होना ही होना है। आप तो उससे डरना नहीं है, बस बिल्कुल नहीं डरना, डरना नहीं है, आगे बढ़ना। कुछ अलग सा कहना चाहेंगे हमारे परिवार के बच्चों से? बहुत पंजाब के, बहुत चंडीगढ़ से बच्चे बहुत हैं। नहीं बच्चों को मैंने भी बहुत सारा फील किया है बच्चों का कि बच्चों आगे आना है, पहली बात तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है इस फील्ड में आना, तो आपको इस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपके बहुत सारे रिलेशन होने चाहिए, नहीं, नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होने के बाद फिर आपका मन है आपको कैसे सर्वाइव करना है, किसका हाथ पकड़ना है, किसका नहीं पकड़ना, बिल्कुल वो आप पे डिपेंड है, आपको सही राइड आपको चूज करना है। तो आप ऐसा कुछ नहीं है, मन में चढ़ता है, टारगेट है ना तो पूरा होगा, ये तो डेफिनेट, बिल्कुल। और लगन रखनी चाहिए, बिल्कुल लगन है, अपने अपने हुनर पर भरोसा रखना। बहुत सारे बच्चे हैं बेचारे जिनको पता नहीं है, पता ही नहीं है। अच्छा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, मैंने आपके इंटरव्यूज देखे हैं जो आप वो चल रहा है आपका, आप बहुत गाइड कर रहे हो दर्पण जी, सच में टचवुड बहुत गाइड कर रहे हो, और उनके लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। मेरी ये सोच थी कि यार मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ क्योंकि देखो क्या, अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, जहाँ भी लोग हैं जो नए बच्चों से पैसे
ठगते हैं, पैसे ठगते हैं, बहुत सारी चीज उनको मतलब टॉर्चर कर देते हैं, एक्सप्लॉइट कर देते हैं, टॉर्चर कर देते हैं बेचारों को, वो दम खम हार के गई तो बेचारे भाग जाते हैं, गलत कम ऐसे लोग हैं ऐसे, लेकिन उनसे बचाना है, आप उनसे बचा रहे, आप जो गाइड कर रहे हैं ना बहुत अच्छा है कि भैया ऐसे जाओ और ये अच्छी चीज है, ऐसे ही है, और डेफिनेट आप लोगों को बताना चाहेंगे हमारी जो यूनिवर्सिटी है बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल खराब नहीं है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, आप अगर हाँ अच्छी अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हो तो अच्छे लोग ही आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल गंदे लोग आगे बढ़ते ही वो वही रह जाएंगे, जो देखो कुछ चंद लोग हर जगह होते हैं, हर इंडस्ट्री में चंद लोग मिल जाएंगे, लेकिन वो वही का ही रह जाएगा, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है हमारी, बहुत अच्छी है। थोड़ा सा एक बोलना चाहूंगा नए बच्चों को मैं कि एजुकेशन जरूरी है, बस एजुकेशन वो जरूरी है, आप मतलब वो इतना जरूर कहूंगा कि जो बिगिनर हैं उनको एजुकेशन लेके आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ के आना चाहिए, देखो अब वो बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, अब इनके दिमाग में कई बार क्या होता है, कई बच्चों के सर मैं आठवीं पास हूँ क्या मैं फिल्म लाइन में काम कर सकता हूँ, अरे काम कर सकते, बात ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं कि आठवीं पास बच्चों ने आगे इंडस्ट्री में नाम नहीं कमाया, लेकिन अगर वो पढ़ लेंगे, अगर जितनी स्टडी करेंगे उतना उतना अच्छा है, बिल्कुल उनका सपोर्ट मिलेगा। तो भाई पढ़ो और सच्ची लगन के साथ आगे बढ़ो। और अच्छा आपने असिस्टेंट रखे कुछ अपने पर्सनल असिस्टेंट रखे या नहीं रखे अभी तक? नहीं अभी तक नहीं रखा, यार कोई आए तो रख लेना कोई अगर नहीं नहीं अगर कोई टैलेंटेड मिला, क्या टैलेंट होएगा तो हम लोग देखो क्या होता है, हम लोगों को किसी ने रखा और हम यहाँ तक पहुँचे, करेक्ट, मेरी वही मैंने कहा, और हम लोगों को ये जगह बनानी है लोगों की, बिल्कुल। अगर हम लोग अपना देखो क्या होता है, हर बंदे की नेचर अलग है, हर बंदे की स्टडी अलग है, हर बंदे का दिमाग अलग है, दिल अलग है ना, हो सकता है मेरे में भी हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो जो मैं किसी को देके जाना चाहता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि ये तो क्रिएटिव फील्ड है, कोई भी किसी को क्या मालूम क्या मैं दे किसी को तो देना चाहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, कि यार ये बंदा करे, कोई तो आए सामने, हाँ ग्रोथ करे, तो 100% यार कोई अपने बंदे आएंगे, कोई भी करना चाहते हैं तो अच्छे लगे, तो मैं आपका मेल आईडी दे दूंगा, कई बार क्या होता है मेल आईडी देंगे तो क्या होगा, कोई बच्चे आते हैं जो एक्चुअल में गुणी होते हैं, कई बार क्या होता है हमें छोटे बच्चों से भी सीखने को मिल जाता है, सीखने को मिल जाता है, और अगर हम लोग मान लो ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि हम लोग उसको काम दे रहे हैं, हम लोग उसको गाइड तो कर गाइड तो कर सकते हैं, क्या बात की है, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात बोली है, हाँ। कि कम से कम मैं गाइड तो कर दूंगा, हाँ, अगर कोई अगर अच्छा सही लड़का होगा सही राह पे चल रहा होगा, बिल्कुल, अगर मान लो मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास 10 लोगों को मैं कॉन्टेक्ट दे सकता हूँ, उधर चला जाता, लेकिन हाँ वही है वो टैलेंटेड होना चाहिए, आगे बढ़ने की उसमें पावर होनी चाहिए, फिर ऐसे नहीं वो तो बहुत सारे ऐसे फोन करते हैं। चलिए तो आई एम श्योर कि राणा जी से मिलकर मजा आया, इनका बेकबापन पंजाबी स्टाइल प्योर पंजाबी स्टाइल में बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात देसी आदमी, देसी आदमी तो भाई हम देसी आदमियों से ही मिलते हैं और सबसे बड़ी बात एक जूनियर आर्टिस्ट से निकल कर अपने आप को इस मुकाम तक लेके आना, अपने परिवार को सपोर्ट करना, परिवार के साथ मिलकर चलना, परिवार की रजामंदी से यहाँ तक पहुँचना, तो इनको सैल्यूट है भाई, और ऐसे ही ज्ञान की बातें फिर दूसरे किसी इंसान का मिलकर हम करेंगे, उनका ज्ञान बांटेंगे, तब तक के लिए चलते हैं, और हाँ भाई वो बोल दो यार, आप ही बोल दो या सब्सक्राइब करो, क्या बोलते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हाँ वहाँ पे लाइक करो, घंटी घंटी वाला बजाओ थोड़ी सी, शेयर भी कर दो, शेयर भी कर दो, तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हाँ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और टर्न करके घंटी बजा दो, चलते भाई। हाँ दोस्तों, इंटरव्यू तो खत्म हो गया, लेकिन एक बात तो रह गई, वो है मेरे परिवार की, जिसके बिना शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, जैसे आप सबका परिवार है। मैं ये सब इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आपको भी लगे कि परिवार के बिना कुछ नहीं है, वो परिवार जब मैं दुख में था, तकलीफ में था, पैसे नहीं थे, वहीं किसको फ़ोन करता था, सिर्फ माँ को, उस माँ को जिससे उम्मीद थी और किसी से नहीं, और वही माँ है जिसने शायद किसी भी बच्चे की और मेरी माँ ने भी मेरी कभी उम्मीद नहीं तोड़ी, मुझे जब भी कभी ज़रूरत होती वो पूरी करती, और ज़रूरत क्या थी, बॉम्बे में पैसा, और पता नहीं वो कहाँ से कैसे करके मुझे भेजती, और माँ तो फिर भगवान का रूप है, आई लव यू माँ, ऐसे तुम सबके माँ बाप हैं,
मैं चाहता हूँ उनके बिना कुछ नहीं है, उनके साथ जुड़ के ही आप आगे बढ़ सकते हो। ऐसे ही मेरा एक परिवार है और माँ से भी आगे परिवार बनता है, पत्नी का, बच्चों का। मैं तो यहाँ अकेला था, अकेला मुझे प्रॉब्लम थी, अकेले को मैं बोल लेता था कि मेरे पास पैसे नहीं है, जा भी नहीं भेज पाऊँगा, थोड़ा लेट भेज पाऊँगा, मैं तो अकेला सर्वाइव करता हूँ। लेकिन वहाँ वहाँ मेरी पत्नी बच्चों के साथ, मतलब तीन तीन चार चार पाँच पाँच लोग सर्वाइव करते हैं इस चीज़ को, तो इसलिए उनका कद बहुत बड़ा है। मेरी पत्नी ने कभी नहीं बताया शायद आज तक मुझे कि मुझे इतनी ज़रूरत है। उन्होंने गुजारा किया, मतलब ज़्यादा पैसे आने के बाद भी वो लोग ऐसे ही हैं, ऐसा नहीं कि वो बदल गए, वो आज भी उसी हिसाब से चलते हैं। तो मेरे बच्चे, मेरा बड़ा बेटा जो भी इंजीनियरिंग कर रहा है, आज तक मुझे नहीं लगता कि उसने भी कभी डिमांड की है मेरे से, पापा मुँह से कभी ये नहीं बोला कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि वो, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो शायद इसलिए कि मैं ईमानदार हूँ लाइफ में, और इसलिए मेरा परिवार भी ईमानदार है मेरे साथ। और गॉड ब्लेस मेरा बड़ा बेटा नोबल, लव यू, और तुम भी, मुझे ये उम्मीद है कि तुम बहुत आगे जाओगे। और मेरा छोटा बेटा वो प्लेयर है, वो भी इतना क्यूट है, वो भी कभी ऐसा नहीं उसने बोला वो पापा के मुझे ये चाहिए, वो भी चीज़ें समझता है। आप सिर्फ, आपको ये कहना चाहता हूँ कि परिवार आपका, उसमें चाहे कोई छोटा है चाहे बड़ा है, आपका भाई है बहन है, वो चीज़ें समझते हैं। तो इसलिए मैं जो ये चैनल का परिवार है जो इसको फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो आगे बढ़ेंगे, हमसे भी आगे जाएंगे, आपको हिम्मत मिलेगी इस चीज़ को कि आप परिवार को लेकर साथ पे चलो, हमेशा आपकी बात मानेंगे। गॉड ब्लेस।